नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। 10 महीने के बेटे को पीट कर मार डाला, DSS के स्वतंत्र गोवंश बरामद, तो दो तस्कर। कुटी से आए दो युवक और पूरे इलाके में मची सनसनी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 10 महीने के बेटे को पीट पीट कर मार डाला गया। बेला त्रोड़ी ने सिनेमा हॉल के पीछे बागरी बस्ती में पत्नी ने कहा सुनी के बाद गुस्से में अपने पति के कारण बेटे को हमला कर दिया। 10 महीने के मासूम को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसी के साथ 2 साल के दूसरे बेटे के भी मारने की वजह से पसली बाहर निकल गई। पड़ोसी ने बीच बचाव कर मासूम को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने से उसे जोधपुर रेफर किया गया। एमआरएस ओम प्रकाश गोदाम ने बताया कि सिनेमा हॉल के पीछे बागरी बस्ती में रहने वाले सूरज की पत्नी पार्वती से बुधवार रात को कहा सुनी होने के कारण उसने अपना गुस्सा अपने दोनों बच्चों पर उतारा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। DCM के 17 गौ अवशेष बरामद, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बरियापुर पुलिस ने एक DCM वाहन से 17 गौवंशीय पुरुष को गुरुवार को बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने देते हुए बताया कि बरियापुर पुलिस ने मुखार के सूचना पर बरियापुर गोरिंद मार्ग पर लकड़ा मोड़ के सामने चेकिंग के दौरान बिहार जा रही DPS का नंबर नोट करते हुए उन्होंने गौ तस्करों को बाहर निकाला और साथ ही 13 सांड व 4 गाय को बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम, पता और आयुन कृषौर पुत्र रजनारी कृषौर निवासी घेर मराधान खान के नाम में बताई, जिसके चलते देखते हुए पहलवान हरियाणा बताया जाता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्कूटी से आए दो युवक और पूरे इलाके में मची सनसनी। करीब 24 साल एक युवक जब भी स्कूटी लेकर निकला दिल्ली के लिए, किसी न किसी इलाके में सनसनी मचा कर घर लौटा था। पुलिस प्रशासन ने बेखौफ इस युवक की हिम्मत एक कदर बढ़ गई थी। एक छोटी सी अवधि में इस 24 बार पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली थी। इसके दुरास्त की वजह से हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वारदात के डर से दक्षिण दिल्ली के तमाम इलाके से दहशत का माहौल बना था। इसी बीच उससे हुई एक छोटी सी गलती उसको पुलिस का निशाना बन। हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक शॉर्ट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।